फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ टिंडे की सब्जी। इसके टिंडे को मैंने छील अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद छीला है, छीलने के बाद इनको बॉयल किया है। बॉयल करने के बाद इनको हमने पानी से निकाल लिया है। चलिए आज हम टिंडे की सब्जी थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। चलिए अब हम रखेंगे गैस के ऊपर कढ़ाई को। कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल, सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी। देखिए सरसों का तेल अच्छी तरह से पक चुका है, इसमें से अच्छी तरह से धुआं निकल रहा है। जब तक इसमें से धुआं ना निकल जाए जब तक इसमें कुछ नहीं डालना, नहीं तो वरना कच्चे तेल की महक आएगी इसमें। अब तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, हम इसमें सबसे पहले डालेंगे हींग, लहसुन। 3-4 कलियां मैंने लहसुन के लिए, इनको बारीक काट के इनको डाल देना है। और हम डालेंगे प्याज, 1 बड़ी सी प्याज ली थी मैंने, इनको बन चॉप कर लिया था, रफली चॉपी किया है। प्याज को पकाएंगे थोड़ा सा नॉर्मल होने तक, हल्की सी पक जाएगी जब तक इसको हम पकाएंगे। देखिए प्याज अच्छी तरह से पक चुकी है और ट्रांसपेरेंसी हो गई है। इससे ज़्यादा हमें इसको ब्राउन सा नहीं करना है, सब ट्रांसपेरेंस करना है। अब हम इसमें थोड़े थोड़े मसाले ऐड करेंगे। मैंने धनिया सौंफ लिया है, धनिया लिया है और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। लाल मिर्च पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, जो नॉर्मल मसाले रहते हैं वही मैंने सारे मसाले लिए हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा मैंने सौंफ लिया है। इन सबको डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे पका लेंगे। इसे पानी डालने से क्या होता है, मसाले हमारे जो है अच्छी तरह से पक जाएंगे। चलिए मसालों को पका लेते हैं। देखिए मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, इसमें से तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें टिंडे डाल देंगे और इन्हें 2-3 मिनट के लिए कवर करेंगे, जिससे इसके अंदर जो मसाला है अच्छी तरह से घुस जाए इनके अंदर। इसमें बहुत थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, कलछी के भी धो के अच्छी तरह से पानी डाल देंगे थोड़ा सा, और इसे हम कवर कर देंगे। 2-3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। सब्जी को पकते हुए 3 मिनट हो गए, इसे खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए सब्जी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। इसमें हम अब डालेंगे गरम मसाला, धनिया पत्ती। सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है, इसे आप रोटी पराठे किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये मिस्सी रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है सब्जी। चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।